बाजारी बर्फ को लेकर लोगों के जहन में बहुत से कंफ्यूजन पाए जाते हैं, लेकिन क्या ये मुजरे सेहत है या फिर सेहतमंद है? आइए आज आपको इसकी तैयारी के मराहिल दिखाते हैं और उसके बाद आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फैक्ट्री में बर्फ बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी मशीन को चालू किया जाता है, जो कि बर्फ को जमाने वाली गैस को पहले ठंडा करती है। इसे ठंडा करने के लिए ऊपर वाली कंडेंसर में भेजा जाता है। यहाँ से गैस ठंडी होकर नीचे लगे इस गैस टैंक में जमा हो जाती है। यहाँ से गैस ब्लॉक के चैम्बर्स में आती है, जहाँ नमक वाला ठंडा पानी मौजूद होता है। आप जो गंदा वाला पानी देख रहे हैं, ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये इस गंदे पानी से बर्फ जमाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस पानी की मदद से बर्फ जमाई जाएगी। बर्फ वाले इन सांचों के नीचे यही पानी जमा रहता है और ऊपर से आरओ प्लांट का साफ सुथरा पानी ब्लॉक्स में डाला जाता है। इनके नीचे कूलिंग कॉइल्स होते हैं, जिनके नीचे ठंडी गैस होती है, जिसमें नमक वाला ठंडा पानी होता है, और इस ठंडक से सांचे में मौजूद पानी जम कर बर्फ बन जाता है। अभी इन सांचों में पानी डाला गया था, जिससे अब बर्फ जम चुकी है और इसमें एक पुली लगाकर बर्फ के ब्लॉक्स को ऊपर खींचा जा रहा है। अब इन सांचों को उलटकर इन पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डाला जाता है, जिससे बर्फ इन सांचों से आसानी बाहर निकल आती है। बर्फ को सांचों से निकालने का प्रोसेस कितना सेटिस्फाइड है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। आपके जहन में सवाल आएगा कि ये गंदे फटे और साथ चप्पलें पहनकर ये बर्फ निकाली जा रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर तो आप तक पहुंचने से पहले ही पिघल जाएगी और आप तक साफ सुथरी बर्फ ही पहुंचेगी। ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब फूड 30 वालों ने हमें एक रिपोर्ट बना के दी है, वो टेस्ट करते हैं, उस पर रिमार्क्स आप चेक कर सकते हैं। वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स टेस्टेड, कि ये पानी हर किस्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हर लिहाज से ये परफेक्ट है और हिफ्जान सेहत के असूलों पे ये पूरा उतरता है। और इसके अलावा हमें पंजाब फूड 30 वाले हर साल एक लाइसेंस इशू करते हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है सर। यहाँ से बर्फ को मुख्तलिफ रिक्शों और गाड़ियों पर लाद कर कस्टमर्स तक पहुँचा दिया जाता है। बर्फ के बनने के प्रोसेस को देखकर आपके सवालों के तमाम जवाब आपको मिल चुके होंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।